Hi everyone, welcome back to my channel and welcome in case you're new here. My name is Neera and on this channel we do all things home. Sabse pehle, I want to thank you all for so much love on the kitchen makeover video. I will link it right here in case you haven't watched it yet. Please go and have a look. It is a rental friendly kitchen makeover. तो फॉर टुडेज वीडियो हम देख रहे हैं 8 वेज जिससे आप अपने घर को वार्म कोजी और इनवाइटिंग बना सकते हो। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी घर वार्म कोजी होना क्यों चाहिए। आपका घर वो जगह है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो। इफ़ यू गो टू ऑफिस योर होम शुड बी दैट प्लेस वेर यू फील लाइक कमिंग बैक। अगर आप एक होम मेकर हो और मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहते हो देन तो ये चीज़ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज आप अच्छे घर से माइंड पॉजिटिव रहता है, यू गेट गुड थॉट्स, आप क्रिएटिव फील करते हो, सिर्फ एक अच्छी वाली फीलिंग। फॉर दैट योर हाउस शुड ऑलवेज बी वार्म कोजी एंड इनवाइटिंग। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट एंड गेट इनटू दोस 8 वेज। पॉइंट नंबर 1 आर डेकोरेटिव पिलोज। डेकोरेटिव पिलोज किसी भी रूम का गेम चेंज कर देती हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे, दीज आर ऑल डेकोरेटिव पिलोज। मैं आपको एक डिफरेंस दिखाती हूँ, जब आप नॉर्मल पिलोज जो आपके सोफे के साथ आती हैं उन्हें सोफे पे रखते हो वर्सेस व्हेन यू स्टाइल देम विद डेकोरेटिव पिलोज। कलर, टोन, ये सारे चीज़ों के साथ जब आप प्ले करते हो वो एक वॉर्म्थ ऐड करता है प्लस एक कोजी फीलिंग देता है आपके पूरे रूम को। डेकोरेटिव पिलोज आप अपने ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, बेड के ऊपर, ऐसी बहुत सारी जगह पे स्टाइल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 आर रग्स। रग्स किसी भी रूम को ग्राउंड करता है। उसके आसपास के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे कम टुगेदर व्हेन यू प्लेस अ रग। रग्स बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शंस में ऑनलाइन अवेलेबल है। इवन आपके लोकल शॉप्स पे काफ़ी ब्यूटीफुल रग्स मिल जाते हैं। जो आप अभी स्क्रीन पे मेरा रग देख रहे हो दैट आई गॉट फॉर जस्ट 3000 रुपीज़ फ्रॉम अ लोकल शॉप। आई विल सजेस्ट कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ के लोकल मार्केट्स को सर्च करो। यू गेट द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन दीज लोकल मार्केट्स। अदरवाइज ऑनलाइन इज ऑलवेज अवेलेबल। पॉइंट नंबर 3 इज एम्बियंट लाइटिंग। लैम्प्स, कैंडल्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जगह को, आपके घर को वार्म और कोजी फील कराने में। देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ऑनलाइन प्लस इन लोकल स्टोर्स इन अफोर्डेबल रेंजेस व्हेन इट कम्स टू एम्बियंट लाइटिंग। बहुत ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू गो ऑल आउट एंड बाय एक्सपेंसिव स्टफ। बहुत ही अफोर्डेबल लैम्प्स और कैंडल्स आपके घर में वो वार्म्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये लाइट जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आई गॉट द शेड एक लोकल वेंडर से एंड देन मैंने इसमें अंदर लगने वाला लाइट और वायर अटैचमेंट अमेजोन से मंगाया है। आई मेड दिस लाइट अंडर जस्ट 1200 रुपीज़ और इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल। इट सिट्स राइट ऑन टॉप ऑफ माई डाइनिंग टेबल एंड गिव्स इट दैट परफेक्ट वार्म्थ एंड ग्लो। पॉइंट नंबर 4 आर प्लांट्स। प्लांट्स आर माई पर्सनल फेवरेट्स। प्लांट्स किसी भी जगह को एकदम से कम्प्लीटली वार्म एंड कोजी फील कराते हैं। वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, एक ग्रीन टच ऐड करते हैं, एक फ्रेशनेस ऐड करते हैं आपकी स्पेस में। इफ़ यू आर scared of keeping real plants in कि आप उन्हें मार दोगे then pot plants options are always available। बहुत सारे vendors हैं जो artificial plants sell करते हैं online versus on local stores in affordable ranges। आप उन्हें check out कर सकते हो और you can beautify your space by keeping plants in it। Point number 5 are mirrors। मिरर्स दो वे में आपके घर को वार्म और कोजीनेस प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग, दे मेक योर स्पेस लुक बिगर। मिरर्स बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ विच जिस भी जगह पे आप उन्हें रखोगे वो जगह नॉर्मल से थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। सेकेंड थिंग, दे एड अ डेकोरेटिव टच टू योर स्पेस। अब मैंने जो मिरर अपने एंट्री वे में यूज़ किया है
I got this made under 4,000 rupees. This size ke mirrors banwana is not expensive. The mirror costed me around 1,000 rupees. Iske around jo ek border hai, that goes from like 50 rupees to a good 2,000 rupees. तो आप जिस टाइप की बॉर्डर यूज़ कर रहे हो उस पर प्राइसिंग डिपेंड करेगी एंड देन यू कैन गेट दिस मिरर मेड इजिली अंडर 2,000 रुपीज. पॉइंट नंबर 6 आर चूजिंग द राइट अमाउंट ऑफ कलर्स फॉर योर स्पेस. अगर आप किसी भी स्पेस में बहुत ज़्यादा कलर ऐड कर दोगे तो वो आपके आईज और माइंड के लिए डिस्ट्रैक्टिंग लगता है एंड देन वो जगह वार्म और कोजी फीलिंग नहीं देती. Choose one item that would be colorful and then play around it. जैसे कि मेरे living room में my couches are of the steel color, but then मेरा rug, उसके ऊपर जो pillows use हुए हैं, जो curtains मैंने use किए हैं, वो सब more neutral color के हैं, जिसमें there is one pop of color and the entire space feels warm and cozy at the same time. यही अगर मैंने सब कुछ colorful किया होता, मेरे couch को, my curtains, the pillows on it, तो माई आईज वुड और माई माइंड वुड हैव गॉटन डिस्ट्रैक्टेड एज टू मैं क्या देखूँ रूम में. सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप एक प्राइमरी कलर फुल एलिमेंट रखो अपने रूम में एंड देन उसके अराउंड न्यूट्रल कलर्स के साथ प्ले करो. पॉइंट नंबर 7 इज कीपिंग योर हाउस क्लटर फ्री. ऑर्गेनाइजेशन इज द की. अगर आपके घर में सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगी तो उन्हें ढूंढना इजी हो जाता है, प्लस वो क्लटर नहीं करते आपके घर को एंड आपका घर साफ दिखता है. साफ इज इक्वलेंट टू गिविंग वार्मथ एंड कोजीनेस इन योर हाउस. अगर आप एक क्लटर्ड एनवायरनमेंट देखोगे आपके आसपास, यू गेट दिस चिड़चिड़ एंड यू डोंट फील हैप्पी. इट्स ऑल कन्फ्यूजन इन योर माइंड. जितना ज़्यादा आप आपके घर को क्लटर फ्री रखोगे, ऑर्गेनाइज्ड रखोगे, उतना ज़्यादा योर हाउस इज गोइंग टू गिव यू दैट हैप्पीनेस, दैट वार्मथ एंड दैट कोजीनेस. द 8th, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एडिंग पर्सनल टच. आप आपके स्पेस में पर्सनल टच, फोटो फ्रेम्स, फोटोग्राफ्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो आपने ओवर द ईयर कलेक्ट किए हों या वेकेशंस पे कलेक्ट किए हों, उनसे ला सकते हो. योर हाउस शुड स्पीक दैट इट बिलोंग्स टू यू. दीज फोटोग्राफ्स, फोटो फ्रेम्स या वो एलिमेंट्स विल टेक यू बैक टू दोज गुड मेमोरीज जो आपने जब वो फोटोज खींची थी तब जी हों या आपने वेकेशंस पे वो मेमोरीज बनाई हों. इट ऑलवेज एड्स दैट परफेक्ट वार्म टू योर स्पेस. So these were those 8 ways जिससे आप आपके स्पेस को वार्म, कोजी और इनवाइटिंग बना सकते हो. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू हैव इवन मोर वेज विथ विच वी कैन अचीव दिस. ऑल्सो इन द कॉमेंट्स लेट मी नो वॉट काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू गाइज वॉन्ट टू वॉच. आई वुड बी हैप्पी टू रीड दोज कॉमेंट्स, दोज सजेशंस एंड क्रिएट दोज वीडियोज फॉर यू गाइज. सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो, लाइक this video if you found it helpful, and I'll see you guys next week with a new one. Bye guys.